मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि हम तकरीबन 2500 कस्टमर्स को इस मंच के अंदर आज की डेट में पोजीशन देने की पोजीशन में हैं। 2500 ग्राहक, उनकी कंफर्ट के हिसाब से उन्होंने कैसे पैसे दिए, किस तरह से पेमेंट किए, कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं उनके ऊपर। तय था कि उनको पेमेंट प्लान कौन सा लेना है, पूरी रजिस्ट्री करानी है या ईएमआई बचाना है। मैं रियली कोई चमत्कार हम लोगों ने नहीं किया, हम अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझते हैं कि उन ग्राहकों के दिल में शाइन ग्रुप हमेशा हमेशा के लिए अजर अमर हो जाएगा। जो आज कस्टमर्स यहाँ से पोजिशन लेकर के जाएंगे तो उनका एक जमीन का सपना पूरा होगा। और गवर्नमेंट पॉलिसीज के तहत उस एरिया के में उस जगह पर नए डेवलपमेंट इस तरह से बढ़ रहे हैं कि आपकी ज़मीन की वैल्यूएशन हमेशा दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। और मुझे यकीन है कि आने वाले 5 सालों के बाद, 10 सालों के बाद जब कभी भी आप इस ज़मीन का चर्चा करेंगे तो शाइन ग्रुप को एक बार धन्यवाद ज़रूर करेंगे कि जिसने एक ऐसा मौका दिया। आज 2500 लोगों को हमने पोजीशन दिया है, आने वाले समय में इसी बिहार में 25,000 लोगों को भी हम पोजीशन देंगे, आने वाले समय में 2.5 लाख लोगों को भी पोजीशन देंगे। अगर हम 2.5 लाख तक भी चले जाते हैं तो यकीन जानिए बिहार में एक छोटा बिहार बसाने वाले हम लोग होंगे। मैं इसके लिए शुक्रगुजार भी हूँ आप सभी लोगों का और आभारी ऊपर वाले का। हम यहाँ को चमत्कार करने के लिए नहीं आए हैं। मैं अपने सभी कस्टमर से ये कहना चाहूँगा कि मैं आप ही लोगों के बीच से आया हुआ इंसान हूँ। मुझे पता है कि एक ज़मीन की चाह क्या होती है, एक मकान ना होने का दर्द क्या होता है और पाई पाई जोड़ करके अपने सपनों का आसियाना बनाना क्या होता है। मैं आप ही के बीच से आया हूँ, इसलिए मुझे आपका दर्द, आपकी ख्वाहिश, आपकी खुशी और आपके अरमान जो है उसका बहुत एहसास है। और आज आप सभी लोगों को उन 2500 कस्टमर्स को कब्जा देते हुए आपसे ज़्यादा खुशी मुझे हो रही है कि मैं अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा हूँ। मैं आप सभी लोगों से इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी लोगों से वादा करता हूँ, बिहार के वासियों से वादा करता हूँ कि हमने उत्तर प्रदेश में किया, बिहार में अब ये काम करने जा रहे हैं। आगे जहाँ जहाँ भी मेरी साइटें हैं हर एक जगह पर हम अपने पोजीशन की प्रक्रिया को इसी तरह से पूरा करेंगे, उस वादे को ऐसे पूरा करेंगे। लेकिन बस आपसे सिर्फ हमें आपका विश्वास, आपका दुआ और आपका प्यार इसलिए चाहिए क्योंकि सारे काम हम सिर्फ कंपनी के लिए नहीं कर रहे हैं, इनमें से बहुत सी चीज़ें हम आपके लिए, अपने कस्टमर्स, अपने ग्राहक के लिए कर रहे हैं। ये लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये कम से कम लखपति करोड़पति लोग हैं। ये जो आगे लोग बैठे हुए हैं इन्होंने लाखों रुपये कमाए हुए हैं, करोड़ों रुपये कमाए हुए हैं, लेकिन इन सब की मेहनत अपने कस्टमर्स के लिए, अपने ग्राहक के लिए, शाइंस परिवार से जुड़े हुए हर उस कस्टमर के लिए जिसने हम पर विश्वास, माहौल बदलने जा रहा है। आप सभी लोगों को दिया गया पोजीशन यहाँ के न्यूज़पेपर्स में आएंगे, यहाँ के टेलीविजन्स में आएंगे, फोटो के साथ, पोजीशन के साथ। आज आप सभी के नाम घोषित किए जाएंगे यहाँ पर, प्लॉट नंबर्स वगैरह बताए जाएंगे और कल सुबह 7 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक हमारी टीम साइट पर मौजूद रहेगी। आप में से जो लोग लोकल यहाँ पर हैं वो जाकर के वहाँ अपनी पोजीशन को मौके पर जाकर अपनी बाउंड्री वॉल कराने से बाउंड्री वॉल करा सकते हैं और अपना पोजीशन लेटर लेकर के वहाँ पर यहाँ एक रिसीविंग हमें दे देंगे और इसके बाद से उस ज़मीन के मालिक आप होंगे। आप चाहे उसको बेचें, चाहे उसको मकान बनाएं, चाहे कुछ भी करें, वो ज़मीन आपकी हो जाएगी इसके बाद से। रियली कुछ अच्छा किया है हम लोगों ने, तभी आज ये मौका हमें मिला है कि शुरुआत हमारी 2500 ऐसे लोगों से हो रही है जिनके लिए हम उनके मकान की ज़मीन उनको प्रोवाइड करा रहे हैं। चाहे लोगों से आपने कसमें दिलवा करके प्लॉट खरीदे हों कि भाई कंपनी भाग गई तो तुम जिम्मेदार हो, चाहे तो आपने रिस्क लेकर के लिया हो, चाहे तो आपने विश्वास करके लिया हो, कैसे भी किया हो आपने, अंत भला सब भला। आज आपके साथ आपकी ज़मीन का पेपर, आपका ज़मीन और वो ज़मीन पर आपका कब्ज़ा, ये आज आपको मिलने जा रहा है। मैं अपने सभी शाइन परिवार से जुड़े हुए सदस्यों से ये निवेदन करूँगा कि आप सभी लोगों के धीरज के लिए, जो आपको कस्टमर्स ने धीरज रखा उसके लिए, उन सभी के विश्वास के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग के साथ, एक बार जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद अदा करिए। पूरा सुन तो लिया कर दिया क्लैपिंग करने किस लिए रहे, वाकई ये तालियां आपके धन्यवाद के लिए था। आप हमारे लिए बहुमूल्य हैं, हमारे लिए अतुलनीय हैं क्योंकि हम कहाँ से थे, कहाँ से आए और कहाँ तक हमें जाना था, इसका विश्वास आपने किया हम पर, इसके लिए वाकई आप धन्यवाद के पात्र हैं। कार्यक्रम की रूपरेखा कुछ इस तरह से है क्योंकि यहाँ पर एक म्यूजिकल प्रोग्राम भी रखा गया है जो कि शाइन ग्रुप की एक पहचान भी है कि हम हंसते खेलते हुए काम करते हैं। तो अभी आप लोगों के सामने एक छोटा सा म्यूजिकल कार्यक्रम भी शुरू होगा, उसके बाद शुरू होगी आप लोगों के पोजीशन की प्रक्रियाएँ और पोजीशन की प्रक्रिया के बाद बीच बीच में एक दो छोटे मोटे ब्रेक के बाद
लास्ट बट नॉट लीस्ट शाइन परिवार के उन लोगों के लिए जिन लोगों ने कल रात से कुछ क्रिएटिव्स देखे हुए हैं, कुछ नई घोषणाएं और एसवीसी रिडेम्पशन और इसके अलावा कुछ और बहुत सी नई चीजें और रियल एस्टेट का वो रूप जो शाइन सिटी आज से यहाँ शुरू करने जा रही है, उस रूप से आप लोगों का रूबरू होना और इसके बाद हिंदुस्तान के इतिहास में, हिंदुस्तान की तारीख में आज तक वो कंपनी कोई ऐसा काम ना कर पाई होगी रियल एस्टेट में जो शाइन सिटी करने जा रही है। और वो काम सिर्फ इतना सा है कि शाइन सिटी आज यहाँ से एक वायदा करती है ललकार के कि रियल एस्टेट का मतलब शाइन सिटी और शाइन सिटी मतलब रियल एस्टेट। हमसे पहले भी कोई हम जैसा नहीं होगा, हमारे वक्त में भी कोई हम जैसा नहीं होगा और हमारे बाद हम इतनी लंबी रेखा खींच लेंगे कोई हम जैसा बनने के लिए सोच भी नहीं पाएगा। सिर्फ काम से नहीं सहूलियतों से भी, सिर्फ बात से नहीं बल्कि उस काम को करके दिखाने के तरीकों से हम वो टेक्निक वो तरीके लेकर के आएंगे रियल इस्टेट की इंडस्ट्री में कि हमारी मोनोपोली हम बनाएंगे। ये हमारा लक्ष्य भी है, वायदा भी है और करके भी दिखाएंगे। ये आप मान के चलिएगा कि आगामी चंद दिनों के अंदर, आगामी चंद माह के अंदर, इसी साल के अंदर शाइन ग्रुप हिंदुस्तान के अंदर रियल इस्टेट का दूसरा नाम बन चुका होगा। ये मैं आप लोगों से वादा भी करता हूँ, संकल्प लेता हूँ। इस कार्यक्रम की शुरुआत में अगर हमारे स्मार्ट, हैंडसम, खूबसूरत कमाए हुए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट अगर यहाँ स्टेज पर ना आए तो कार्यक्रम शुरुआत नहीं हो सकती है। तो मैं ऋषभ लिस्ट लॉ, मैं ग्रुप और ग्रुप के प्रेसिडेंट्स का नाम लेता जाऊंगा और मैं निवेदन करूंगा कि वो सभी के सभी आप लोग अपना फूलमाला लाए नहीं लाए आप लोग तुम लोग लाए नहीं लाए तुम लोग लाए हो चल लादीन का अगले काम है। मैं निवेदन करूंगा कि जिन जिन का मैं नाम पुकारूं वो सारे के सारे लोग स्टेज पर आए और आकर के एक बार यहाँ पर खड़े हों ताकि हमारे कस्टमर, हमारे ग्राहक जो यहाँ पर आए हुए हैं वो ये देखें कि किन लोगों ने जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठाई थी, वो कौन लोग थे जिन्होंने ये समय, ये माहौल बनाया। थे तो सारे लोग सम्मिलित इसमें, थे सारे लोग, लेकिन सबको यहाँ पर बुला पाना थोड़ा सा संभव काम है। लेकिन हमारी कंपनी की जो शुरुआती लाइन है, जिसे हम फाउंडेशन कह सकते हैं, जिसे हम न्यू कह सकते हैं, वो न्यू के पत्थर कौन है? बाकी सारे लोग हमारी मीनारें हैं, सारे लोग हमारी दीवारें हैं, हमारी छतें हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। कोई किसी से कम नहीं है, हर एक का योगदान बराबर है। जो यहाँ पर आएगा वो भी और जो वहाँ बैठे वो भी, हर का योगदान बराबर है इस पूरे अभियान में। लेकिन मैं बुलाना चाहूँगा पहले उन सभी लोगों को जो इसमें नींव के पत्थर में थे। निवेदन करूंगा कि बीच से अगर आपके अंदर उत्साह आए और दिल में अगर प्यार आए शाइन सिटी वगैरह तो थोड़ा बाहर जा करके ले लीजिएगा, यहाँ पर कार्यक्रम को चलने दीजिए। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा टीम डोमिनेटर की तरफ से, सॉरी दिस इज नॉट डोमिनेटर, टीम बादशाह, टीम बादशाह की तरफ से मिस्टर विक्रम केसरी, मिस्टर राष्ट्रदीप सोनकर, मोहम्मद सब्बीर खान, सपना सिंह और मिस्टर वेद प्रकाश, जिनका जिनका मैं नाम पुकारता चलूं वो स्टेज पर आते जाएं। तो पोजीशन की प्रक्रिया शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ आप लोगों से चंद बातें। और ये छोटा मोटा इवेंट नहीं है पोजीशन देना, यानी अपनी जिम्मेदारियों को निभाना। किसी परिवार में एक बाप का अपनी बेटी का शादी करना और पोजीशन देना दोनों एक बराबर ही होता है। मैंने जब अपने इस कैरियर की शुरुआत की थी रियल एस्टेट में तो अक्सर मैं अपनी मीटिंग में बात कहा करता था कि दो तरह के लोगों की हमेशा डिमांड होती है, एक वो जो अच्छा रिश्ता करा दें और एक वो जो अच्छी प्रॉपर्टी दिलवा दें। दोनों एक बराबर होता है कि अगर कोई अच्छा रिश्ता करवा देता है परिवार में और किसी के बच्चे बच्ची का सही सेटलमेंट हो जाता है तो लोग ट्रस्ट करते हैं कि हाँ ये आदमी अच्छे रिश्ते लेकर के आता है, और कोई अच्छी प्रॉपर्टी का दिलवा देता है तो लोग उसमें भी ट्रस्ट करते हैं। फिलहाल आज 2500 कस्टमर्स को पोजीशन की लिस्ट तैयार है और मैंने अपनी टीम से पूछा तो तकरीबन 1900 कस्टमर ही ऐसे हैं जो पोजीशन लेने की पोजीशन में आ पाए हैं, अदरवाइज कुछ डिफॉल्टर्स और इन प्रक्रियाओं में रहे। तो उस लिस्ट को यहाँ पर लाने से पहले मैं सभी कस्टमर्स को एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आपका नाम आएगा, आपको कॉलिंग गई होगी, बताया गया होगा आपको, यहाँ पर आपके नाम आएंगे और यहाँ पर पब्लिकली मैं इस बात को घोषित करूँगा कि ये आपके पोजीशन के प्लॉट रेडी हैं, आप इनके पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन कल सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक
हमारी टीम साइट पर मौजूद रहेगी। आप अपनी रिसिप्ट या जो भी आपका डॉक्यूमेंट सुन लो उसे लेकर वहां जाएंगे और अपनी जमीन पर खड़े होकर के वहां पे कब्जा लेकर के आप चाहे तो उसकी बाउंड्री वॉल करा सकते हैं, चाहे तो खुद कराइए, कंपनी को आप ऑर्डर कर सकते हैं या प्लॉट को ऐसे भी छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी के ऊपर है। यानी वो प्लॉट कल से आपका हो जाए, कंपनी आपको पोजीशन लेटर अधिकार पत्र आपको दे देगी कि अब ये प्लॉट आपका हुआ, इसके मालिक आप हुए, आपका पेमेंट पूरा आया हो तो भी, अगर आपकी पेमेंट किस्तों में तो भी, दोनों कंडीशन में, अरेबिक अगर आपका पेमेंट पूरा नहीं भी आया हुआ है तो भी, और आपका पेमेंट पूरा आ गया तो भी, अगर आप ओटीएस पर हैं तो भी, किसी भी कंडीशन पर हैं, अगर आप पीसीबी पर हैं तो भी, तीन तरह के ग्राहक, चार तरह के ग्राहकों को हमने पोजीशन दिया है। पहले ग्राहक वो हैं जिन्होंने अपना पूरा पैसा दे दिया है और उसके बाद उनके पेमेंट अगर आ चुके कंपनी में, रजिस्ट्री हुई हो या ना हुई हो, उनको पोजीशन दे रहे हैं। दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने ओटीएस पॉलिसी के तहत अपने पैसे को 50% सेटल किया है, हम उन्हें पोजीशन दे रहे हैं। तीसरे ग्राहक हमारे वो हैं जिन्होंने पीसीबी के जरिए प्लॉट लिया हुआ है, हम उन्हें पोजीशन दे रहे हैं। चौथे ग्राहक हमारे वो हैं जो अभी भी ईएमआई पे चल रहे हैं लेकिन वो ओटीएस पर या किसी बनिए पर, उनको पोजीशन दे रहे हैं। और एक कमिटमेंट के साथ जितने भी कस्टमर्स पीसीबी के जरिए, ओटीएस के जरिए या किसी भी तौर से शाइन ग्रुप में उन्होंने अपने पैसे को पूरा डिपॉजिट कर दिया है, हर वो ग्राहक शाइन ग्रुप का, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे कोई भी जगह हो, 31 दिसंबर तक हम अपने सभी कस्टमर्स को पोजीशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। 31 दिसंबर 2018 तक हम शाइन परिवार में जितने भी कस्टमर्स ने प्लॉट को लिया हुआ है, हम उनके पूरे के पूरे प्लॉट्स का पोजीशन देने की पूरी कोशिश करेंगे और ये आपसे वादा भी करते हैं। यानी 31 दिसंबर 2018 तक हम अपने हर एक कस्टमर को संतुष्ट कर चुके होंगे और ये इतिहास बना चुके होंगे कि एक कंपनी जो एक ऐसा संभव काम कर गई, जो काम रियली संभव नहीं हो सकता था आम सोच के साथ, आम लोगों के साथ और आम तरीके से। जाहिर सी बात है, अगर हम 31 दिसंबर तक अपने सभी कस्टमर को पोजीशन देंगे तो 50,000 से भी ऊपर कस्टमर ऐसे हैं हमारे जिन्हें हम पोजीशन दे चुके होंगे। 50,000 से ऊपर की संख्या कुछ भी हो सकती है, 70,000 भी हो सकती है, 80,000 भी हो सकती है, 1,00,000 भी हो सकती है। 50,000 से ऊपर प्रॉपर्टी का पोजीशन 5 सालों के अंदर अंदर, ये अपने आप में रियली एक चमत्कार है। और आपको चमत्कार हो सकता है लग रहा भी हो सकता है ना भी लग रहा हो, क्योंकि आप शाइन परिवार में बैठे हुए हैं, हम लगातार आपके सामने रूबरू होते रहे हैं। कोई ऐसा महीना नहीं रहा जिस महीने में कंपनी ने अपने सेमिनार्स को करके अपने वादों को दोहराया ना हो, और अब वादों को निभाने का वक्त आ गया। कोई ऐसा महीना नहीं होगा जिस महीने आप शाइन परिवार को अपने वादे निभाते हुए नहीं देखेंगे। स्थितियां बहुत अच्छी नहीं थी जब हमने काम की शुरुआत की, मार्केट बहुत क्लियर नहीं थी जब हमने शुरुआत की थी, लेकिन आज मार्केट चाहे जैसी रही, परिस्थिति चाहे जैसी रही हो, शाइन परिवार ने अपने वादे को पूरा किया। तो अरुण है यहाँ पर, अरुण बोला, ऋषभ बोला, जिनका प्लॉट कट कर तैयार है प्लॉट वाइज, प्रोजेक्ट वाइज, और अगर वो कस्टमर यहाँ पर मौजूद होंगे तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो कस्टमर स्टेज पर आने का कष्ट करेंगे। जरा अरुण बुलाओ तो, लेकिन उससे पहले प्लीज एक बार आप लोग सेटल हो जाइए, लोग काफी इधर उधर घूम रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कि पोजिशन वाले सिर्फ यहाँ बैठे हुए हैं, बाकी शाइन परिवार लोग टहल रहे हैं। तो प्लीज जो लोग यहाँ पर हैं हॉल के अंदर वो बैठ गए अपने स्थान पर, और मैं चाहूंगा ऊपर वाले भी जो ऊपर बैठे हुए हैं अगर चाहे तो वो भी नीचे अगर बैठ सकते हैं, काफी लोग यहाँ पर जमीन पर बैठे हुए हैं तो इसकी वजह से काफी सीटें नीचे खाली हैं। शाइन परिवार तैयार है पोजीशन वालों की शक्ल देखने के लिए? कस्टमर यहाँ पे मौजूद है? एक बार मैं फिर से सभी ग्राहकों का एक बार हाथ उठा हुआ देखना चाहूंगा ताकि मैं उस स्टेज पर बुला सकूं लोगों को। तब तक मैं आप सभी लोगों से, जो शाइन परिवार जुड़े हुए लोग हैं, उनसे कुछ बिहार और झारखंड के बारे में बात करना चाहूंगा। बिहार और झारखंड की टीमें हैं यहाँ पर? अच्छा, इतना जोर से ना चलिए भैया, तुम्हें सुनाई दे, यहाँ पे हल्के से बोल रहे, बिहार झारखंड लोग हैं यहाँ पर? पीसीबी प्लान कैसा है आपका? बढ़िया है। जब पीसीबी प्लान आने के बाद आप मार्केट के अंदर ललकार के लोगों से बोल सकते हो कि अगर दम है सामने हो तो मुकाबला करो, जमीन भी ले लो, रजिस्ट्री भी करा लो, कब्जा भी कर लो, भैया अपना पैसा वापस ले लो।
ये सारी चीजें अगर पीसीबी प्लान के अंदर है तो पीसीबी प्लान एक ऐसी गारंटी देता है जो आपको शाइन सिटी को करीब करीब हर एक कंपटीशन से बाहर कर देता है, यानी कंपटीशन से आप बिल्कुल बाहर हो जाते हैं। और मैं आप सभी लोगों के बीच में ये वादा करता हूं कि बिहार और झारखंड को लेकर के पीसीबी प्लान की काफी बड़ी प्लानिंग की गई, क्योंकि यहाँ की टीमों ने पीसीबी प्लान पे काफी फोकस किया भी है। आप लोगों को एमपीसीबी के बारे में पता है? एमपीसीबी नहीं तो जानता है एमपीसीबी के बारे में? मैं आपसे बात कर रहा हूं, एमपीसीबी नहीं जानते? चलिए मैं बताता हूं एमपीसीबी का मतलब, ताकि आप लोगों को काम करने में आसानी हो। एमपीसीबी का मतलब होता है माइग्रेट पीसीबी, यानी माइग्रेट प्रिंसिपल कैश बैक प्लान। माइग्रेट का मतलब यह कि अगर आप कहीं ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जिस जगह पर अभी साइट नहीं आई हुई है, जहां साइट भविष्य में आनी है, प्लान की जा सकती है, आप जमीन का भी बेनिफिट पाना चाहते हैं और पीसीबी का बेनिफिट पाना चाहते हैं, तो 3,51,000 रुपए से एमपीसीबी का प्लान आप उठा सकते हैं। 3,51,000 रुपए की एमपीसीबी जो आएगी, उससे आप अपने प्लॉट की बुकिंग करा सकते हैं और उस समय आपको प्लॉट नंबर नहीं अलॉट होगा। अगर आपके क्षेत्र में आने वाले वक्त प्लॉट आ जाता है तो आप अपने पूरे 3,51,000 रुपए को माइग्रेट कर सकते हैं प्लॉट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके क्षेत्र में 3,51,000 प्लॉट आता है तो आप वहां प्लॉट नंबर चुन सकते हैं और आपको बेनिफिट पहले से मिल रहा था। अगर आपके क्षेत्र में 3,51,000 रुपए से ऊपर का प्लॉट आता है, फॉर एग्जाम्पल 4,51,000 रुपए प्लॉट अगर आता है, तो 3,51 का आपका प्लॉट का पैसा यहाँ माइग्रेट कर दिया जाएगा और इसी के साथ साथ 1,00,000 रुपए और डिपॉजिट करके आप 4,51,000 रुपए पर एमपीसीबी को पीसीबी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो भी बेनिफिट्स आपको मिल रहे थे पहले 3,51 पर, अब वो बेनिफिट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे 4,51,000 रुपए पर। यानी आपके क्षेत्र में अगर पीसीबी नहीं भी अभी, तो वहां पर एमपीसीबी के तहत आप कस्टमर्स का प्लॉट बुक कर सकते हैं और कस्टमर को आप कहीं पर भी प्लॉट दिला सकते हैं। हो सकता है आपके क्षेत्र में अगर नहीं आता है प्लॉट, तो आपको शाइन ग्रुप में कहीं पर भी कोई प्लॉट पसंद आ जाता है, आप पूरे पूरे पैसे को वहां पर ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर है आपको? ये अभी क्लियर हुआ कि नहीं? एमपीसीबी एक बार फिर से मैं बता देता हूं, एमपीसीबी का मतलब होता है माइग्रेट प्रिंसिपल कैश बैक प्लान। पीसीबी का फुल फॉर्म हुआ प्रिंसिपल कैश बैक, जो सामने लिखा हुआ है, और एमपीसीबी मतलब होगा माइग्रेट, यानी आपने प्लॉट की बुकिंग कर ली वर्चुअली और अभी प्लॉट को आपने फिजिकली पसंद नहीं किया। आपको अगर कंपनी ये कहती कि आपके क्षेत्र में हम प्लॉट लेकर के आ रहे हैं, तो साइट आने से पहले आप इस प्लॉट को बुक कर सकते हैं एमपीसीबी के तहत। अब अगर आपके क्षेत्र में साइट आ जाती है तो अपने पूरे के पूरे पैसे को आप माइग्रेट वहां पर कर सकते हैं। अगर आपके क्षेत्र में साइट आती है, प्लॉट आपको पसंद नहीं आता है, तो अपने पैसे को आप किसी भी प्लॉट पे ले जाकर के एडजस्ट करा सकते हैं। ये माइग्रेट पीसीबी होती है और माइग्रेट पीसीबी पर आपको बेनिफिट 3% का हर महीने कैशबैक का रिटर्न आपको मिलता रहेगा। एक थोड़ा सा फर्क मैं यहां पे डाल रहा हूं, माइग्रेट पीसीबी पर 3% का आपका जो बेनिफिट है, ये आपको तब तक मिल रहा है 3,51 पर, जब तक आपका प्लॉट नया नहीं आ जा रहा है। और जैसे ही आपके पास नया प्लॉट आ जाता है, अगर उस प्लॉट की कीमत ज्यादा है, तो रेस्ट अमाउंट पे करके आप पूरा पूरा प्लॉट को लिखवा सकते हैं। जब तक आप प्लॉट पसंद नहीं करेंगे, तब तक आपका प्लॉट का रजिस्ट्री या कब्जा उस पर नहीं हुआ रहेगा, लेकिन 3% आपको प्रिंसिपल में से वापस मिलता रहेगा हर महीने एमपीसीबी के तहत। अभी क्लियर है? आपके कस्टमर की लिस्ट लगभग ऑलमोस्ट तैयार है। उससे पहले थोड़ा सा आपके अंदर शांति पैदा करने के लिए बैठ जाए, एक नाम मैं लेना चाहूंगा और मुझे यकीन है कि उस नाम के बाद आप शांत हो जाएंगे बिल्कुल। एसवीसी, थोड़ा सा एसवीसी के बारे में बताया जाए। काफी समय के बाद मैं स्टेज से एसवीसी के बारे में बताने जा रहा हूं, क्योंकि इस बीच में तैयारी की जा रही थी। तो अगर आप बैठे खामोशी के साथ, मैंने शांति के साथ नाम नहीं लिया, खामोशी के साथ नाम लिया, तो अगर आप खामोशी के साथ बैठे, तो मैं आप लोगों को कल जो आपका एसवीसी का क्रिएटिव आया है उसके बारे में पहले कुछ बताता हूं। तब तक लिस्ट तैयार होती है कस्टमर्स के लिए, ग्राहक के लिए, और हम उस पर आते हैं। तैयार है आप लोग एसवीसी के बारे में जानने के लिए? देखो, एसवीसी एक कॉन्सेप्ट था
जिसके बारे में मैंने आप सभी लोगों को पहले भी बताया हुआ था कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कंज्यूमर पावर में तैयार किया गया है। बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, समझिएगा इसको, और रियली ये प्राउड करने का मौका है कि आपकी कंपनी अपने किए गए वादे को उससे भी अधिक तरीके से निभाने जा रही है जितना आपने अपने कस्टमर से वादा किया है, उससे भी ज्यादा अधिक तरीके से निभाने जा रही है हर उस कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए जो कानूनी प्रक्रियाएं जरूरी हैं हमारे लिए। एसवीसी आज की डेट में एक ऐसा इंटरनेशनल प्रोडक्ट बन चुका है जिसके बारे में आप कम जान रहे हैं, लेकिन उस पर काम करने लोग इंटरनेशनल लेवल पे समय काम करो ज्यादा उस समय उसे समझ रहे हैं। आप सभी लोगों ने इंडिया के अंदर अपने कस्टमर्स को जीडीबीसी के जरिए एसवीसी दिया। अब कंपनी की जिम्मेदारी ये बन जाती है कि हर एक कस्टमर जिसे एसवीसी से कुछ बेनिफिट चाहिए उसे बेनिफिट दिया जाए। देना चाहिए, पक्का? मैं आपसे बात कर रहा हूं, आवाज आनी चाहिए आप लोगों की। कस्टमर अगर बेनिफिट ले और आप फिर एक बार उतनी कमाई करें जितनी कमाई की थी तो रियली बता रहा हूं, इतना अल्टीमेट प्लान है कि ये खत्म कर देगा इंडिया के मार्केट से हर एक र्यूमर्स को, हर एक भ्रांति को, हर एक उस डाउट को जो एसईसी को लेकर के आया हुआ था। एसईसी रिडेम्पशन पर भी अगर आपको बैंक नहीं मिले तो और ये बाइंडिंग का पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो। सही रहेगा ये एसवीसी का रिडेम्पशन, और रिडेम्पशन पर आपको बाइंडिंग, डायरेक्ट और बाइंडिंग दोनों मैचिंग पेयर से। सही रहेगा ये, बिल्कुल सही है ना, 100% वैल्यू पर रिडेम्पशन। जिससे आप 100% वैल्यू पर रिडीम कर सकते हैं, और 1 अगस्त से ये रिडीम्पशन शुरू हो जाएगा। 1 अगस्त से, क्योंकि 1 अगस्त तक आप सभी लोगों को कुछ चीजें मेंटेन करनी है। जिस कस्टमर का या एसोसिएट का वो मेंटेन हो जाएगा उन्हीं लोगों का ये रिडीम्पशन होगा, और वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो सिर्फ एक कस्टमर का कॉन्टेक्ट नंबर और अगर हो सके तो ईमेल आईडी। ये दो चीजें मैंडेटरी हैं क्योंकि आपने एसवीसी को सोल्ड किया है, मैंने डाटा कलेक्शन किया है। और आपको एक बात और बता दूं, पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में किसी के पास भी कोई भी क्रिप्टो टोकन हो उसे आप लाके एसवीसी में कन्वर्ट करा के बेनिफिट दिलवा सकते हो, वहां भी बैंड दिखा सकते हो आप आराम से। पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में ये इसकी पूरी ट्रेनिंग अब मैं शुरू करूंगा। एक चार्ट सिर्फ मैं पहले आपको दिखाऊंगा, कितने लोगों को समझ में आया था ये चार्ट कल शाम को? कुछ लोग मुझसे पर्सनली मिले थे, उनको समझ में आया होगा। आपकी एसवीसी डायरेक्टली, आपकी एसवीसी रिडीम हो सकती है इंश्योरेंस की पॉलिसी का प्रीमियम जमा करने में। इंश्योरेंस कंपनी में अगर आपकी पॉलिसी है तो उसके प्रीमियम को जमा करने में आपकी एसवीसी हो सकती है। अभी फिलहाल समझिए कहां कहां हो सकती है, तरीका इतना आसान है कि आप जान करके हैरान हो जाएंगे। आपकी एसवीसी बस की बुकिंग में, ओला कैब की बुकिंग में, यह 100% बुकिंग में है, मेरा 100% रिडेम्पशन है ये। इसके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप इतना खरीद रहे हैं तभी आपका रिडीम होगा, नो। इंश्योरेंस की प्रीमियम अगर आप जमा कर रहे हैं तो एसवीसी का एक फिक्स अमाउंट आप वहां पे जमा कर सकते हैं। अगर आपकी प्रीमियम उतने अमाउंट का है तो सिर्फ मात्र उतना ही पैसा देंगे, उसके ऊपर कोई पैसा देने की जरूरत नहीं आपका। एक बस की बुकिंग में, रेडियो टैक्सी यानी जो आप ओला वगैरह बुक करते हैं आप उसे बुक कर सकते हैं। फ्लाइट का टिकट अगर आप बुक कर रहे हैं तो फ्लाइट की टिकट की बुकिंग में भी आप एसवीसी को रिडीम कर सकते हैं। होटल अगर आप बुक रहे हैं तो बुक करने में करीब तकरीबन 3000 होटल्स पूरे इंडिया के अंदर, 3000 से भी ऊपर होटल्स ऐसे हैं जिन्हें आप ऑनलाइन जब बुक करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके होटल की कॉस्ट 2000 रुपए है और 500 रुपए आपको एसवीसी से रिडीम किया जा सकता है तो 1500 मात्र केवल आपको देना, बाकी 500 रुपए पूरा एसवीसी दे सकते हैं आप। और अगर होटल की कॉस्ट मात्र 500 रुपए है तो 500 रुपए बुक हो जाएगा होटल, वो जितने का भी होगा वो। इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर आपके घर की बिजली का बिल मात्र 500 रुपए का है, 1000 रुपए का, जितने का भी उसमें रिडीम्पशन हो,
तो सिर्फ और सिर्फ एसवीसी से आप उसको बिल को जो जमा कर सकते हैं, अलग से कोई पैसा नहीं देना आपको। भाई अगर 500 रुपया 700 रुपए है तो 500 रुपए आप देंगे एसवीसी से, 200 रुपए देंगे आप अपने अकाउंट से। डीटीएच रिचार्ज, आपके घर का जो भी डीटीएच है उसका रिचार्ज आप कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट आप कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं कई मेजर पोर्टल से, केवल शाइन शॉपिंग शाइन डील से नहीं बल्कि फ्लिपकार्ट से अमेज़न से, इन सब से आप जो है खरीदारी भी कर सकते हैं पूरी वैल्यू पर। उसमें कोई भी ऐसा नहीं, अगर आपने एक फिक्स अमाउंट दिया गया कि अगर इसमें से 500 का टोकन दिया गया है कि 500 रुपए अगर आप खरीदारी कर रहे हैं और 500 रुपए कूपन अगर वहां रिडीम हो रहा है तो 500 रुपए से आप पूरा पूरा खरीदारी कर सकते हैं, आपको 1 रुपए भी नहीं देना है। इसके बाद टूर्स एंड ट्रेवल्स, करीब करीब 100+ ऐसे डेस्टिनेशंस हैं जहां पर अगर आप जाते हैं टूर पैकेज बुक करते हैं तो उस टूर पैकेज की बुकिंग भी आप एसवीसी से कर सकते हैं 100% एसवीसी से। ये तो है वो यूटिलिटी जहां पर आप इसको रिडीम कर सकते हैं, यानी ये सेक्टर्स, ये डिपार्टमेंट, यहां पर आप जाकर के अपनी एसवीसी को रिडीम कर सकते हैं। आपके पास जो पड़ा हुआ एसवीसी जो 5 रुपए से बढ़ करके 50 हुआ है, 125 रुपए हुआ है, उस पैसे को पूरा यूटिलाइज वहां पे कर सकते हैं, यानी इन सेक्टर्स में आप इसकी यूटिलिटी यूज कर सकते हैं। बट कैसे, आसानी कैसे इसमें कर सकते हैं? फर्स्ट में आप आएंगे, आप देखिए लिखा हुआ है यू पे। सबसे पहले हमने 1500 रुपए की सीसी का एक बनाया कि 1500 रुपए यानी उन लोगों के लिए जिनके पास छोटे मोटे सीसीज हैं, 1500 रुपए सीसी से आप डिपॉजिट करते हैं और 1000 रुपए का आपको इसका एडमिन चार्ज देना होता है। यानी कुल हुआ कितना, 1500 सीसी से और 1000 रुपए आपका एडमिन चार्ज, यानी कुल टोटल मात्र 2500 रुपए। ज्ञान प्रकाश उपाध्याय, ज्ञान उपाध्याय क्या बात है, नींद आ रही है? 1500 रुपए आपने दिया एसवीसी से, पहले इसको समझिएगा फिर बता दो कैसे फ्री आपके लिए। 1500 रुपए एसवीसी से, 1000 रुपए एडमिन चार्ज से, टोटल वैल्यू अगर देखा जाए तो आपका दोनों कंडीशन में पे हुआ जाकर 2500 रुपए। इस पर कंपनी आपको एडिशनल बेनिफिट 7500 रुपए के देगी, जिसके लिए आपको कुछ नहीं देना है। अभी आगे जाकर कंपनी पैसा लेगी, लेकिन जिनको अभी देगी उनसे कोई पैसा नहीं लेगी। यानी 7500 रुपए कंपनी अपने पास से और इसमें ऐड करेगी, ये पैसा आपको नहीं देना है। आपने 1000 रुपए दिया एडमिन चार्ज के तौर पर, 1500 रुपए दिया आपने एसवीसी के तौर पर, मात्र 2500 रुपए हुआ, 7500 रुपए कंपनी अपने पास से ऐड करेगी, ये जाकर कुल वैल्यू बना 10000 रुपया। ठीक है, 10000 रुपए वैल्यू बनी। इस 10000 रुपए वैल्यू को आप दो जगह पर रिडीम कर सकते हैं। आप देखेंगे एक जगह लिखा है रियलिटी कूपन, एक लिखा है यूटिलिटी कूपन। यूटिलिटी कूपन में 10 सेक्टर में 5500 रुपए का, 10 सेक्टर क्या बल्कि 5500 रुपए का कंपनी आपको 10 कूपन देगी। अगर आप के घर पर इंश्योरेंस की पॉलिसी का प्रीमियम ड्यू है, यानी पूरा का पूरा 100% आप डिपॉजिट कर सकते हैं, इनमें कुल मिलाकर 5000 रुपए का कूपन आपको मिलेगा यूटिलिटी में, जिसमें आप अपने डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं, इंश्योरेंस का बिल जमा कर सकते हैं, बस की बुकिंग कर सकते हैं, टैक्सी बुक कर सकते हैं, फ्लाइट बुक कर सकते हैं, होटल बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आपको कुछ सामान ऑनलाइन पोर्टल से परचेस करना है तो वहां शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आपके सामान की वैल्यू मात्र 500 रुपए है तो आपको कुछ भी नहीं देना है, 1 रुपए भी नहीं देना है। और 500 से ऊपर अगर है तो जो ऊपर वो आपको पे करना है, इट्स डिपेंड कि आपने सामान कौन सा चुना है। 5000 रुपए का ये कूपन आप चाहे तो अगले दिन अगले घंटे रिडीम कर सकते हैं। इनमें सर्विसेस ऐसी हैं जिसमें आप 3000-4000 रुपए सर्विस तो शायद 4-5 दिन में अपने आप यूटिलाइज कर लेंगे। लाइक डीटीएच रिचार्ज हो गया आपका, बिजली का बिल हो गया आपका, अगर आप कहीं बाहर जाना है टैक्सी बुक कर सकते हैं आप, बस बुक कर सकते हैं आप। ये ऐसे कूपन से जिन्हें आप इमीडिएट की इमीडिएट 3-4000 रुपए इमीडिएट आप रिडीम कर सकते हैं। आपने दिया क्या है 1500 रुपए की सीसी जो बढ़कर वहां तक गई है, साथ ही साथ में 1000 रुपए का एडमिन चार्ज। अब आगे क्या दे रही कंपनी, रियलिटी कूपन, आगे देखिए लिखा 1000 रुपए, 5000 रुपए कंपनी ने आपको दिया है यूटिलिटी में और 5000 रुपए दी कंपनी आपको रियलिटी में। 1000-1000 रुपए के 5 कूपन आपको मिलेंगे। ये 5 के 5 कूपन शाइन सिटी के किसी भी प्रोजेक्ट में, पूरे भारतवर्ष में किसी भी प्रोजेक्ट में, चाहे नया प्लॉट बुक कराने में इस्तेमाल करिए, चाहे ईएमआई डिपॉजिट करने में कराइए, और चाहे डाउन पेमेंट में कराइए, चाहे किसी चीज में कराइए, शाइन सिटी के
रियल एस्टेट के किसी भी प्रोजेक्ट में कोई कंडीशन नहीं, कोई बार नहीं है कि आप कितना देना नहीं देना है। आपकी अगर ईएमआई 5000 रुपए की है तो 4000 रुपए आप कैश से और 1000 रुपए कूपन से दे सकते हैं। अगर आपको रजिस्ट्री वाला प्लॉट लेना है, अगर आपको नई बुकिंग भी करानी है तो आप नई बुकिंग में भी 1000 रुपए कूपन दे करके बाकी आप दे सकते हैं अपना कैश में। यानी 1000 रुपए के 5 कूपन, आप चाहे तो 5 प्लॉटों पे अगले दिन रिडीम करा लीजिए। अगले दिन कोई कंडीशन, कोई शर्त नहीं है कि आप आज कराएंगे तो कल नहीं कराएंगे। 5 अलग अलग प्लॉटों पर आप इसको करा सकते हैं। लेकिन अगर सेम प्लॉट पे आपको कराना है तो आपको रियल एस्टेट में 30 दिन वेट करना पड़ेगा और यूटिलिटी में 30 दिन वेट करना पड़ेगा अगर सेम सेक्टर में अगर उसको यूज करना है। लेकिन अगर आप इसको डिफरेंट डिफरेंट प्लॉट करना चाहते हैं तो 5 प्लॉटों पर या 5 प्लॉट की बुकिंग पर आप इसको इमीडिएट रिडीम कर सकते हैं। आपने 1000 रुपए कैश पे किया है, 1500 एसवीसी से दिया, 10000 का बेनिफिट कंपनी आपको दे रही है। क्लियर है ये? क्लियर है ये? आगे बढ़ू मैं। ये 1000 रुपए का जो एडमिन चार्ज है आपका, ये 1000 का जो एडमिन चार्ज आपका है, इस पर आपको डायरेक्ट बाइंडरी भी है। इस पर आपको डायरेक्ट बाइंडरी भी है। यानी अगर कोई 1000 रुपए का एडमिन चार्ज डिपॉजिट कर रहा है, एसवीसी का पेमेंट कर रहा है, तो 1000 रुपए का जो एडमिन चार्ज है इस पर आपको डायरेक्ट बाइंडरी एज यूजुअल जैसे मिल रहा है रियल एस्टेट में, वैसे डायरेक्ट बाइंडरी आपको मिलेगी। क्लियर है ये? यानी आप अपने नीचे अगर किसी को रिडीम कराते हैं तो जो एडमिन चार्ज डिपॉजिट करेगा बंदा, उस एडमिन चार्ज से आपको जो है बाइंडरी भी मिलेगी, पेयर का मैचिंग भी मिलेगा और डायरेक्ट कमीशन मिलेगा। क्लियर है ये? चलिए अभी इसके बाद वाले में और मजा आएगा। नेक्स्ट पर आइए। नेक्स्ट, एक्चुअली करीब 5 से 6 लेवल तक ये गया हुआ है। पहले लेवल पर उन लोगों के लिए जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, जिनका इन्वेस्टमेंट 10000, 5000, 2000 इस तरह से है। इसके ऊपर बड़े इन्वेस्टर्स का भी है आ रहा है। छोटे इन्वेस्टर्स में 3 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी आपकी जो थी वो थी आपकी 1000 रुपए वाली। दूसरी कैटेगरी आपकी आती है जहां पर 4500 का आपका एसवीसी है और 3000 रुपए का एडमिन चार्ज है। कुल टोटल वैल्यू बनता है 7500 रुपए। 7500 रुपए में 22500 रुपए कंपनी मिलाती है और 30000 का कूपन आपको कंपनी देती है, 30000 का। इस 30000 को भी कंपनी 2 पार्ट में करेगी। 15000 करेगी रियलिटी में और 15000 रुपए करेगी आपका यूटिलिटी में। सेम वही चीज चलेगी। यूटिलिटी में आपको 30 कूपन मिलेगा। 30 कूपन में आप बिजली का बिल हो गया, ओला हो गया, बस की बुकिंग हो गई, होटल बुकिंग हो गया, ये सारी चीजें आप जो है बुक करा सकते हैं। और रियल एस्टेट में आप 1000 रुपए के 15 कूपन पाएंगे। आपका या आपके साथी का, आपका जानने वाले किसी को भी ये कूपन आप आराम से दे सकते हैं। कुछ लोग तो ये भी सेटिंग करेंगे, मैं बता दे रहा हूँ कि दिया लोगों ने 3000 रुपए है, जो 15 रियल एस्टेट वाला कूपन पाएंगे वही सेंसिटिव वालों को भेज देंगे कि भैया 15000 रुपए कैश हो जाएगा, मेरे को मात्र 10000 रुपए दे दो, काम हो गया मेरा। मैं बता नहीं रहा रास्ता, आप लोगों को पता ही है। आपको पता है आप अगले दिन पैसा निकाल लेंगे। साइंस सिटी के किसी भी मेंबर से आप मिलेंगे कि 15000 कूपन मेरे पास में है, आप 10000 मुझे दे दो और मुझे कैश दे दो, और आप जो 3000 रुपए दिए हैं ना, अगले दिन चटवा दबा निकाल लेंगे आप। ठीक है, फिलहाल आपका कुल टोटल यहां पर इन्वेस्टमेंट 4500 रुपए एसवीसी से जो कि बढ़ करके आया हुआ है, और 3000 रुपए आपका एडमिन चार्ज से, कुल 7500 रुपए है। यूटिलिटी आप जो यूज करेंगे, लेकिन वेरी मच श्योर कि आप रियल एस्टेट वाले कूपन से वो पैसा बड़ी आराम से निकाल लेंगे। पूरे भारतवर्ष में किसी भी साइट पर ये रिडीम हो सकता है। पूरे भारतवर्ष में प्लॉट के किसी भी प्लान में रिडीम हो सकता है, चाहे वो नई बुकिंग हो, चाहे वो डाउन पेमेंट हो, चाहे फुल पेमेंट प्लान हो, इवन चाहे ईएमआई ही क्यों ना हो। क्लियर है? नेक्स्ट, ये अभी ऑप्शन नंबर 1 का तीसरा ऑप्शन आती है। ऑप्शन नंबर 1 का तीसरा ऑप्शन है, इसके बाद ऑप्शन नंबर 2 है, इसके बाद ऑप्शन नंबर 3 है। यानी ऑप्शन नंबर 2 वो बड़े इन्वेस्टर्स के लिए है। ऑप्शन नंबर 3 पहले वाले का सेम चीज। अच्छा, इसमें जो एडमिन चार्ज है, एडमिन चार्ज पर आपको डायरेक्ट बाइनरी है। एडमिन चार्ज पर डायरेक्ट बाइनरी है। एडमिन चार्ज आप डिपॉजिट करेंगे चाहे ऑनलाइन पोर्टल के जरिए, चाहे काउंटर कैश के जरिए, चाहे जैसे डिपॉजिट करेंगे डायरेक्ट, डॉक्टर साहब बहुत ढेर सारा एडमिन चार्ज आपके नीचे आएगा, जानते रहिए। 9000 रुपए की एसवीसी आप डिपॉजिट करते हैं, 6000 रुपए आप देते हैं अपना एडमिन चार्ज के तौर पर, टोटल आपका इन्वेस्टमेंट दोनों मिलाकर होता है 15000 रुपए।
45,000 रुपए कंपनी आपको मिला के देती है, 60,000 रुपए की आपकी वैल्यू बनती है, मात्र 6,000 रुपए जमा करने 60,000 की वैल्यू बनती है, ठीक है। अच्छा मैं इसकी कैलकुलेशन और आपको बताता हूं, आप टोटल बेनिफिट को लीजिए, टोटल बेनिफिट 60,000 रुपए, 60,000 का 10% एडमिन चार्ज, 15% एसवीसी से, आप ऐसे भी बता सकते हैं प्लान को, 10% यानी 6,000 रुपए सब में यही आएगा। टोटल बेनिफिट वहां पे क्या था, 10,000 रुपए, 10% उसका 1,000 रुपए और 15% एसवीसी से 1,500 रुपए, तो ये कैलकुलेशन पे आप चल सकते हैं। और जितना भी आपका डिपॉजिटेड अमाउंट आएगा, यानी आपने पैसा जमा किया, उस पैसे का आपको दो हिस्से में, यानी बढ़ने के बाद दो हिस्से में बांट दिया जाएगा। 60,000 रुपए हुआ यहां पर, 60,000 में 30,000 रुपए आपका जाएगा रियल एस्टेट में और 30,000 रुपए आपका जाएगा यूटिलिटी में, यानी आप अपने मकान की बिल, बिजली की बिल हो गया पूरे साल भर की आपकी फुर्सत, डीटीएच पूरे साल भर की फुर्सत, आप पूरे भारतवर्ष में कहीं भी सफर करें बस के जरिए, ट्रेन के जरिए, उसके ओला कैब के जरिए, साल भर की फुर्सत, ऐसे खर्चे आपके साल भर के लिए निपट जाएंगे मात्र केवल आपकी एसवीसी से। सिर्फ आप जमा कर रहे 6,000 रुपए कैश में, 9,000 रुपए एसवीसी से, 15,000 रुपए में देखा जाए तो पूरे साल भर के खर्चे आपके इन सारे खर्चों निकल जा रहे हैं। और जो आपके पास बचा हुआ कूपन है 30,000 रुपए, मुझे फिर बताने की जरूरत नहीं है कि उस 30,000 रुपए को आप जाकर किसी बंदे को आराम से दे सकते हैं, शाइन सिटी वाले को, और लोग खरीद लेंगे, लोग खड़े खड़े खरीदेंगे, क्या साहब अगर 30,000 रुपए का कूपन मुझे 20,000 में, 15,000 में, 25,000 मिल रहा है, तो लोग खरीद लेंगे वहां पे जाकर के। फिलहाल ये उन इन्वेस्टर्स के लिए था, उन कस्टमर्स के लिए था जिनके पास छोटी मोटी एसवीसी है, छोटा मोटा इनकम चार्जेस है। हर एक रिडेम्पशन में एडमिन चार्ज आपका, वो उस पर आपको बाइंडिंग भी मिलेगी और उस पर आपको कमीशन मिलेगा, क्लियर है ये? यानी थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगाते हैं तो आपकी एसवीसी का ग्रोथ भी आप रिडीम कर ले रहे हैं। साथ में एक चीज यहां देखिएगा कि आपने 15,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है एडमिन और एसवीसी से, और आपको जो पैसे मिल रहे हैं रिडीमशन के, मिला 4 times 60,000 एसवीसी ने अपनी ग्रोथ दी है, लेकिन साथ ही साथ में रिडेम्पशन के लिए 4 times का आपको वैल्यू दे रही कंपनी की, आप 4 times रिडेम्पशन ले जा सकते हैं। एसवीसी का बेनिफिट अपनी जगह पर, साथ में बेनिफिट अपनी जगह पर बनता है। ये कुछ इस लायक कि इसके बारे में थोड़ा सा ताली भी की जा सके, समझने की बात है। आपकी एसवीसी मात्र 9,000 रुपए की एसवीसी, 6,000 का एडमिन चार्ज आपको 60,000 रुपए का बेनिफिट दे रहा है। आप जिस 9,000 रुपए 6,000 रुपए के लिए कर रहे हैं उसको तो आप वेरी नेक्स्ट डे रिडीम कर सकते हैं आराम से, रियल एस्टेट के किसी भी प्लान में आप डाल करके कंपनी में ये कूपन रिडीम कर सकते हैं। रियल एस्टेट कूपन इसे लगाया गया आपके साथ में ताकि आपका जो पैसा है, जो आपका मूल है, जो आपका बेनिफिट है, वो इमीडिएट निकल के आ सके। जो आपके एसोसिएट हैं उनको अगर आप ये बेनिफिट के साथ देते हैं तो बड़े आराम से वो आपसे ये कूपन ले लेंगे, क्यों? क्योंकि वो डेली उनके टीम के अंदर कम से कम कुछ नहीं 10 lakh, 20 lakh, 50 lakh का प्लान निकल रहा है, तो डेली जो है 1-2 lakh का कूपन रिडीम करना उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी, ये क्लियर है? अब बड़े इन्वेस्टर पे आओ, मैं कोई टाइम नहीं, मैं सब बताऊंगा अभी, बड़े पर आओ। अरुण रेडी है? रेडी बता देना मुझे। एक स्लाइड में इसके बाद की दिखाऊंगा, वो उन इन्वेस्टर, ये स्लाइड आप समझिए खाने में जो सबसे पहले सलाद मिलता है ना, ये वो है, असली वाली इसके बाद है, असली वाली इसके बाद है। वो एक ऐसा प्लान है, एक ऐसा प्लान है एसवीसी का रियली जो ताकत भी देगा और रिडिप्शन में भी आपके, और इसके बाद तीसरा वाला जो प्लान है वो इसका भी बाप है। एसवीसी के जरिए मैं आपसे वादा करता हूं, मेरा खुद कमिटमेंट आप लोगों से है कि कोई भी ऐसा प्लान आपके सामने नहीं आएगा जो पेचीदा हो, आपकी एसवीसी आपको बेनिफिट देगी। और अभी सेशन खत्म होने जब लग जाएगा तब मैं आपको एसवीसी के नए डेवलपमेंट आपको रियल एस्टेट से जोड़ के बताऊंगा कि जिसमें आप रियल एस्टेट में भी आज जो शाइन सिटी की स्पीड के साथ आप चल रहे हैं उससे और आपकी एसवीसी का तालमेल कैसे बनेगा, और जाकर के आपने अब तक जो कमाई की है, जो पैसे कमाए हैं, वो आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे देगा और कैसे
आई रिपीट, कैसे आप अपने अकाउंट में पैसे ला सकेंगे उस तरीके से जैसे लोगों ने बता रखा है, बल्कि उस तरीके से जो रियल तरीका है, जो जायज तरीका है, जो सही तरीका, जो लीगल तरीका है। मैं वो तरीका भी आपको आज यहां पे बताऊंगा कि किस तरीके से आप एसवीसी के जरिए अपने बेनिफिट्स को कैश कर सकते हैं, अपने बेनिफिट्स पा सकते हैं। बात वही होती है कि पानी को भी चलनी में जमा किया जा सकता है, उसका पत्थर बनने, उसका बर्फ बनने का इंतजार करना चाहिए। थोड़ा वेट करेंगे वो सारा बेनिफिट्स आपको मिलेगा। मैं ये देखता हूं कि कुछ ऐसे छोटी सोच के लोग जिन्होंने उस समय एसवीसी को बेचा या खरीदा, जिन्हें ये लगा कि एसवीसी छोड़ अलादीन का जिन आ गया, आप रगड़ दो उसमें से जिन निकलेगा, आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ति कर देगा। ये वही लोग होते हैं जो ऐसी कंपनियों के चक्कर पड़ते हैं जो कंपनियां रियल काम करने नहीं आई होती हैं, और ये वही लोग होते हैं जो ऐसी जगह अपने पैसे के इन्वेस्ट करने में ज्यादा उनको अच्छा लगता है कि यहां पर कुछ भी उल्टा सीधा वादा करो वो कर देते, कंपनियां भाग जाती है। तो ये वही लोग होते हैं जो कंपनियों को गालियां देते हैं, ये वही लोग होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जरा ध्यान सुनना शाहीन फैमिली वाले। दो जानवर को याद करो, एक कुत्ता और एक शेर। ध्यान दीजिएगा, एक कुत्ता और एक शेर। आप लाठी उठाइए और कुत्ते को मारिए, कुत्ता क्या करेगा? कुत्ता क्या करेगा? भौंकेगा, भाग जाएगा। और अधिक दिलेरी दिखाएगा तो क्या करेगा? कितने बजे मार खाएगा? लाठी को पकड़ेगा, उछलेगा, कूदेगा। और शेर को लाठी मारी, शेर क्या करेगा? ठीक है। कुत्ता जो होता है वो वजह को पकड़ता है, और शेर जो होता है वजह को साफ कर देता है। बात समझा मेरी? कुत्ता जो होता है उसे लाठी मारिए तो वो क्या करता है? लाठी को पकड़ता है, वजह को पकड़ता है कि ये वजह ये मुझे मार रही है, उसको पकड़ता है। और शेर क्या करता है? वजह को साफ कर देता, पकड़ता नहीं फिर वहां पर। तो शाइन ग्रुप जो है ना, वो वजह को साफ कर देता है, ऐसा काम नहीं करता है शाइन ग्रुप की आप जो है लाठी को पकड़ते रहिए। हम वो हैं ही नहीं, हम वजह ही साफ कर देंगे। मार्केट में हम काम करने के लिए आए हैं। आपकी सोच, आपकी, मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो ऐसे काम करते हैं, आपकी लालच से बड़ा मेरा प्रोफाइल है। आपकी सोच, आपके इन्वेस्टमेंट और आपके लालच से बड़ा मेरा प्रोफाइल है। इस पे दाग ना लग सकता, ना लगने दूंगा। ऐसा कोई काम ना कर सकता हूं, ना करने दूंगा किसी को जो काम सिस्टम में ना हो। अनसिस्टमैटिक तरीके से किसी चीज को सुनकर, अनसिस्टमैटिक किसी चीज पर विश्वास करके अगर आप अपना सर फोड़ते हैं तो फोड़ लीजिए, कल को फोड़ना आज फोड़ लीजिए। अगर कोई आपसे कहे कि सूरत पश्चिम से निकलेगा, पूरब छोड़ पश्चिम से निकलेगा, और अगर आप उसे यकीन करते हैं बगैर तस्दीक किए हुए, और उसके बाद बोलिए साहब हम तो इस आसरे में बैठे थे सूरत पश्चिम से निकलेगा, नहीं निकल रहा, ऊपर वाले गाली देने लगे, तो गलती आपकी मेरे भाई, फिर गलती आपकी है। हम यहाँ काम करने के लिए आए, कुछ भी करेंगे काम के तरीके से करेंगे। हम अपना बिजनेस करने के लिए आए हैं, हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो सिस्टम में इधर से डालो पैसा और उधर से निकालो कुछ और, ये सिस्टम नहीं हमारे पास में है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ काम है। मैं पूरी दुनिया घूमता हूँ, हजारों तरह के लोगों से मिलता हूँ, हजारों के लाखों तरह के लोगों से मिलता हूँ। आज तक पूरी दुनिया में मैंने काम से ही काम को होते देखा है। बैठ करके सोचते रहने से ना कंपनियां भागती, ना कंपनियां चलती हैं। आज तक पूरी दुनिया में मैंने जमीन से आसमान पल में जाते हुए देखा है लोगों को, और मैंने उन लोगों को देखा जो जमीन से आसमान पे गए और टिके भी हैं वहां पर। आप गिरने वालों को देखते हैं, आप गिरने वालों को देखते हैं, गिरने वालों की वजह नहीं देखते हैं आप ये देखते हैं कि फला कंपनी ने ये कहा फिर भाग गई, फला ने होगा फिर भाग गई, शाइन सिटी भी ऐसा कर ऐसे भाग जाएगी। आप ये क्यों नहीं देखते मेरे भाई कि शाइन सिटी वो काम नहीं कर रही जो काम भागने वाले कर रहे हैं, बल्कि शाइन सिटी वो काम जो रुकने वाले कर रहे हैं। मैंने अभी अपने ट्रेनिंग में एक एग्जाम्पल में बात दिया कि जब आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं और आपका बच्चा स्कूल जाने से कुताही करता है, रोता है, तो आप किसका उदाहरण देते हैं? फेलियर्स का, पास का? पास वालों का एग्जाम्पल देते हैं। आपका बच्चा स्कूल जाने में कुताही करे या पूछे मैं पढ़ाई क्यों करूं, तो आप हमेशा उसको सक्सेसफुल लोगों की कहानी सुनाएंगे कि पढ़ लिख कर लोग कलेक्टर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, वकील बनते हैं। अगर आपसे वो ये कह दे कि सारे लोग डॉक्टर नहीं बनते, सारे लोग वकील नहीं बनते, तो आप क्या करेंगे? उसको डांटेंगे, समझाएंगे और बोलेंगे बेटा उनको नहीं दिखाया था जो नहीं बने, बल्कि उनको देखा जो बने हैं। वो जो नहीं बने हैं उनमें कमी थी, वो पढ़ते नहीं थे,
उनकी आदतें गलत थी, वो बुरी संगत पड़े हुए थे। समझाते नहीं समझाते वहां पर? समझाते ना, अपने बच्चों को समझाते हैं, लेकिन जब खुद समझने की बारी आती है तो फेलियर को देखते हैं। जब खुद समझने की बारी आती है तो फेलियर को देखते हैं, बच्चे समझाने की बारी आती है तो पास वालों को देखते हैं, जो पास है, जो सक्सेसफुल है, जो कामयाब है। बच्चा लाख कहता रहे कि आज तक कितने लोग डॉक्टर बने, आपसे डांटेंगे। बच्चा लाख कहता रहे आज तक कितने लोग पढ़ लिख कामयाब हुए, आप उसको डांटेंगे समझाएंगे। लेकिन जब बारी अपनी आती है तो आप फेलियर देखते हैं। अरे कंपनी के तरीके को देखिए, कंपनी क्या करना चाह रही है उसको देखिए। फिलहाल नेक्स्ट स्लाइड में मैं आता हूं, इस स्लाइड की थोड़ी शुरुआत में करता हूं और इसके बाद मैं तीसरी स्लाइड जो होगी जो मैं बताऊंगा वो इस अल्टीमेट होगी, लेकिन तीसरी स्लाइड अभी नहीं बताऊंगा मैं। फिलहाल इस स्लाइड को आप देखिए, ये उनके लिए है जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं। हमारा एक प्रोडक्ट आ रहा है जिस प्रोडक्ट का नाम है गीत डायमंड ज्वेलरीज। हमने सिर्फ से इंट्रोड्यूस किया आपके सामने, अभी हमने इसको बताया नहीं आप लोगों को, ना इसके बारे में हमने आपसे कोई मार्केटिंग करवाई है, ना अभी करवाने जा रहे हैं। ये गीत डायमंड ज्वेलरी वो है जिसकी पहली लॉन्चिंग इंटरनेशनल होगी, इंडिया से नहीं बल्कि ये आपको बहुत जल्दी मैं खबर भी दे दूंगा, रजिस्ट्रेशन जो ऑफिस रजिस्ट्रेशन होंगे, इंडिया से नहीं बल्कि ये उस शहर से, उस देश से लॉन्च होगा जिसका नाम सबसे ज्यादा मेरे साथ जुड़ा हुआ है। कौन सा देश? नहीं नहीं, सब मैंने बना कर दिया अब तो, कल वाला क्या कहते उसको, अब तो बिल्कुल एकदम ऐलान करके बोलते हैं दुबई जाके लॉन्च करेंगे, जो करना कर लो दुबई जाके लॉन्च करेंगे। नहीं वीजा इसलिए, वहां टैक्स फ्री कंट्री है, सिर्फ वैट देना पड़ता है, बताना नहीं, ठीक है। इसलिए तो नेक्स्ट यानी वो लोग छोटे से जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उस पर हम आ जाते हैं। 1 लाख से लेकर 10 लाख तक का आप शाइन सिटी में, शाइन सिटी अपने प्लॉट्स देगी उन सभी रनिंग प्रोजेक्ट्स में जिन्हें आप देख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा माय डियर, कल जाकर के वो वाला प्लॉट मत दिखा दीजिएगा जो अभी लोग बुक करा चुके हैं। हर उस साइट पर जो आप देख रहे हैं, लाइक आपका ताशी हो गया, ओमना हो गया, मैं बिहार की बात करूं, लखनऊ की बात करूं पैराडाइज गार्डन हो गया, सॉल्टियर सिटी हो गया, अलाहाबाद की बात करूं तो जारी स्पार्कर हो गया, पोल स्टार हो गया, हर वो साइट जिस साइट पर आप प्लॉट कटा हुआ देख रहे हैं, हर उस साइट पर रेडी टू पोजीशन हम 100 से लेकर 500 प्लॉट निकालेंगे। रेडी टू पोजीशन प्लॉट रहेंगे, 100 से लेकर 500 प्लॉट निकालेंगे आपको हर उस शहर में। आपको करना क्या, इसको पूरा समझिएगा। आप अपनी एसवीसी के जरिए अगर 1 लाख का प्लॉट है, 1 से लेकर 10 लाख तक के प्लॉट में, अगर फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का प्लॉट है तो आपको 25,000 रुपए देना है एज एडमिन चार्ज, आई रिपीट 25,000 एडमिन चार्ज में देना है और 75,000 रुपए आपको एसवीसी से देना है। 1 लाख हुआ अभी नहीं, ताली इसके बाद बजेगी, ताली यहां नहीं है, सबका बाप है ये, ताली यहां नहीं है, 1 अगस्त से चालू होगा ये। 2 लाख है तो 50,000 रुपए आप देंगे कैश में और 75,000 रुपए आपको बाकी का जो पैसा 1.5 लाख रुपए देंगे आप उसको एसवीसी, समझ गए होंगे आप इसको। 1 से 10 लाख वाले प्लॉट में आपको ये देना है। आपने एडमिन चार्ज कितना दिया था? 25%। इस पर भी आपको बैंडी मिलेगी, इस पर भी आपको बैंडी मिलेगी, पहली चीज। नेक्स्ट, आफ्टर 6 मंथ, 6 महीना बीतने के बाद आपके एडमिन चार्ज की वैल्यू का गोल्ड डायमंड ज्वेलरी आपको फ्री मिलेगी, 100% रिडेम्पशन। आपने अगर 1 लाख का प्लॉट लिया है, 25,000 रुपए आपने दिया है अपना एडमिन चार्ज के तौर पर, नो माय डियर, आप ये मान लीजिए कि आपने अपने बच्चे के लिए एक इन्वेस्टमेंट कर दिया है और ये डायमंड गोल्ड ज्वेलरी विद सर्टिफिकेट विद रसीद मिलेगी। ऐसा नहीं कि 25 का माल आपको हम जो देंगे वो 10 का मार्केट में होगा, नहीं, 25 का माल जो हमारे यहां जितने का होगा उतने का तनिष्क में होगा, जितने का हमारे यहां होगा उतने का भारत देश में किसी भी ज्वेलरी शॉप पर होगा, विद रसीद आपको देंगे हम। 1 लाख रुपए का प्लॉट आप लेते हैं, 25,000 रुपए आप कैश में देंगे, 75,000 रुपए आप एसवीसी से देंगे और आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद आपको 25% जो आपने दिया है इतने की गोल्ड डायमंड ज्वेलरी आपको कंपनी गिफ्ट के तौर पे देगी। सेलेक्ट आपको करना होगा उसकी कीमत। 1 अगस्त से ये वेबसाइट आपको मिल जाएगी जिस पर आप जाकर के अपनी ज्वेलरी को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ये? अच्छा, इसमें आप किसी भी कंपनी के, भारत में भागी किसी भी कंपनी के लोगों को ला सकते हैं, कूड़ा करकट ला के कन्वर्ट कर सकते हैं और बोल सकते हैं भाई 25% दे दे, अपना कूड़ा भी दे दे,
प्लॉट फ्री हो गया तेरे छह में, तुझे जेवर मिल गया। ये आपकी पावर में बना रहा हूं, ये मैं कोई चमत्कार नहीं, आपको पावरफुल बना रहा हूं, कोई टक्कर नहीं है आपके। मैं फिर से बोला, सोच लो आप किसी भी कंपनी के लोगों को जो आपके साथ नहीं है, उनका कूड़ा भी आप कन्वर्ट कर लीजिए सीसी में, और बोलिए कि लेकर क्या हो सीसी में कन्वर्ट कर लो, 1 लाख का प्लॉट मौके पे खड़े होकर पोजीशन ले लो, 25,000 रुपए दे करके रजिस्ट्री करा लो, और 6 महीने बाद 25,000 रुपए के एवज में आप जेवर लेके किनारे हो जाओ, कूड़े के बदले में जब आपको प्लॉट मिला है। पहले से दोबारा धमक का दर्द था ही वाला, तीसरा इसका बाप, लेकिन तीसरा इसके बाद बताएंगे। 1 अगस्त से आप इस सिस्टम को चालू कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। 1 अगस्त से पहले पहले आपकी आईडी पर जिस पर एसीसी पड़ी है सब पर कॉन्टेक्ट नंबर क्लियर आ जाने चाहिए। कॉन्टेक्ट के बाहर होंगे 7 या 10 कॉन्टेक्ट नंबर लग पाएंगे, मतलब से 1 कॉन्टेक्ट नंबर 7 बार यूज हो पाएगा या 10 बार यूज हो पाएगा। रीजन क्या मैं बताना चाहूंगा आप सभी लोगों को थोड़ा सा, यही शहर था पटना, मंच दूसरा था इसके बगल वाला। मैंने आप लोगों को कंज्यूमर पावर के बारे में बताया था। अगर आज मेरे पास हिंदुस्तान का एसीसी का कस्टमर और वो कूड़ा करकट मिला करके मेरे पास अगर आज 1 करोड़ कॉन्टेक्ट हो जाते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि जो मैं आपको गोल्ड ज्वेलरी फ्री दे रहा हूं, इसके कम से कम 3 से 4 गुना पेमेंट या पैसा मैं वर्ल्ड से कमा, दुनिया से कमा सकता हूं, सिर्फ मात्र कॉन्टेक्ट से, सिर्फ आपके कॉन्टेक्ट से। ये कोई चमत्कार नहीं, प्लॉट की कीमत मैं निकाल सकता हूं, केवल आपका कॉन्टेक्ट नंबर सही हो, ईमेल आईडी सही हो, आपका डेट ऑफ बर्थ सही हो। मैं सब करवाऊंगा धीरे धीरे, पहले आपको पहले ये ले लूं, आपका डेट ऑफ बर्थ सही हो, आपका जेंडर सही लिखा गया हो आपके फॉर्म के ऊपर, आपका कॉन्टेक्ट नंबर सही हो और आपकी ईमेल आईडी सही हो, अगर इतनी चीजें हैं और मेरे पास डिटेल निकल आए कि मेरे पास मेल और फीमेल एज वाइज कितने हैं, उनका कॉन्टेक्ट नंबर क्या, उनका ईमेल आईडी क्या है, तो दुनिया में ऐसे न जाने कितने काम पड़े हुए हैं जहां से मैं इससे ज्यादा पैसे निकलवा सकता हूं, निकाल सकता हूं, जो पैसे आपको देने हैं कंपनी को उससे ज्यादा पैसे निकल सकते हैं। हाँ, अभी प्रैक्टिस के तौर पर आप सभी लोगों को अगस्त तक ये मौका दिया जा रहा है, जितने लोगों का अगस्त तक कॉन्टेक्ट नंबर या ईमेल आईडी हो जाता है, अगस्त के पूरे महीने में, ये जो आपका पहले वाला था मुकेश पुराने पर हो, पहले वाले 1000 वाले पर, जहां पे 1000 रुपए आपको देना था एडमिन चार्ज, 1500 देना था आपको एसवीसी से, और आपको 10,000 का कूपन मिल रहा था, वहीं एक जबल हो जाएगा, यानी 1000 या 2000 हो जाएगा, और 1500 या 3000, यानी 5000 रुपए मिलेगा आपको जाके 10,000 का कूपन। फिलहाल अभी अगस्त के पूरे महीने तक ये ऑफर चलेगा, अगस्त महीने में आप मात्र 1500 की एसवीसी और 1000 रुपए का उसका चार्ज दे करके, एडमिन चार्ज दे करके ये बेनिफिट ले सकते हैं। तो सही है ये, छोटा वाला भी और बड़ा वाला भी दोनों सही है ये। चलिए, और कौन कौन सी कंपनी दे रही है एडमिशन? कोई नहीं। LIC में, बिजली का बिल जमा करने में, बस की बुकिंग में कोई दे रहा है? कोई नहीं। जो नहीं दे रहा उनको उठा लाओ, उनके मालिक से डील करो, उनके मालिक से डील करो, कितना माल तुम्हारे पास है उसकी आईडी लगाओ अपने नीचे, उसको बाइनरी में समझा दोगे ना तो उसकी टीम अगर रिडीम कर लेगी तो उसकी लायबिलिटी उतर जाएगी, रियली बता रहा हूं, उसकी लायबिलिटी उतर जाएगी। तो ये हुआ आपका यूटिलिटी वाला, और एक हो गया आपका प्लॉट वाला, तीसरा वाला इसके बाद बताता हूं मैं आपको। फिलहाल अरुण रेडी, लिस्ट तैयार है? मैं एक बार फिर से अपने सभी कस्टमर्स और अपने सभी एसोसिएट को धन्यवाद देते हुए उस लिस्ट को यहां पर प्रदर्शित करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे बीच में एक एक हमारे बीच में शख्सियत मौजूद है जिन्होंने ऐसे हर मौके के लिए एक सुंदर सा गाना लिखा हुआ है, श्रीमान संजीव कुमार श्रीवास्तव जी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन्होंने एक बड़ा सुंदर सा गीत लिखा हुआ है, और ऐसे मौके पर पोजीशन को लेकर के, तो आप सभी लोग आप इनकी कला का वर्णन, क्या हुआ आ सकते हैं भाई? तो एक सुंदर सा गीत इन्होंने अपने भाव को पिरोया है शाइन सिटी के पोजीशन को लेकर, कस्टमर्स को लेकर के। मैं चाहूंगा कि 5 मिनट का इनका एक छोटा सा गाना है जिसे आप सब